गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का आर सी आई हेल्थ केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन बंधुता की, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आयनन ऊर्जा के हमने बारे में बात की थी और आयनन ऊर्जा में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। आज हम बात करेंगे आवर सारणी का सबसे लास्ट टॉपिक है विद्युत ऋणता, कि जो परमाणु जो होते हैं, जो तत्व जो होते हैं, उनकी विद्युत ऋणता कितनी होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा विद्युत ऋणता। और विद्युत ऋणता का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ई एन। क्या हो जाएगा? ई एन। अब आपके पास में बच्चों कुछ एलिमेंट्स में बता रहा हूँ, उनकी ई एन जो है फिक्स है और वो आपको याद ही करनी है, ठीक है। जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी हम सोल्व करेंगे तो ज्यादा इतना हार्ड कुछ नहीं, बहुत ईजी है बच्चों, वो आपको याद हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि सर विद्युत ऋणता की परिभाषा क्या होती है। तो विद्युत ऋणता की परिभाषा का मतलब हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन युग्म का आकर्षण। कोई भी आपके पास में तत्व है, उस तत्व के पास में इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है बच्चों दो इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म का आकर्षण विद्युत ऋणता कहलाती है। हम परिभाषा क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म का आकर्षण, इलेक्ट्रॉन युग्म का आकर्षण विद्युत ऋणता कहलाता है। क्या कहलाते बच्चों? ई एन कहलाते, ठीक है। अब जो बच्चों तत्व जो होते हैं, उन तत्व जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चों, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और आखिरी गैस भी बच्चों ई एन क्या होती है? जीरो होती है, शून्य मान, ठीक है। यहाँ पर आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इनकी विद्युत ऋणता क्या होगी बच्चों? जो हाइड्रोजन में दिया हुआ है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता होगी 2.1। कितनी होगी बच्चों? 2.1। लिथियम जो होता है, लिथियम की विद्युत ऋणता हमारे पास होगी बच्चों, होगी 0.5। बेरिलियम की होगी 1.0, इसकी होगी 1.5। कार्बन की 2.0, कार्बन के बाद हमारे पास, सॉरी बच्चों, ये हमारे पास में होगी, यहाँ से ये हो गया हमारे पास में 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4.0 बच्चों, ठीक है। ये इनकी विद्युत ऋणता का क्रम हो जाएगा। अब बात करते हैं सोडियम की, होगी 0.9, ये 1.2, ये 1.5, ये 1.8, ये 2.1, ये 2.5 और ये 3.0। यहाँ पर हमारे पास में आते हैं ब्रोमीन और आयोडीन बच्चों, ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमीन की जो ई एन होती है वो होती है 2.8 और आयोडीन होती है 2.5 बच्चों। ये तो हो जाएगी 2.8 और ये हो जाएगी 2.5 बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये जो परमाणु तत्व दिए हुए हैं, इनकी विद्युत ऋणता हमारे पास में फिक्स होती है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। किसकी बात करेंगे? विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। कि आपके पास में प्रभावित करने वाले कारक बच्चों, प्रभावित करने वाले कारक ई एन को, अब ई एन को प्रभावित करने वाले कारक में बच्चों हमारे पास में जो पहला जो कारक आ रहा है वो कारक क्या होगा? फर्स्ट जो कारक हमारे पास में है वो फर्स्ट कारक क्या होगा बच्चों? हमने इससे पहले ई ए में पढ़ा था, जो हमारे पास में आई पी दी हुई थी उसमें हमने पढ़ा था आकार था, साइज था, जेड इफेक्टिव था, सिग्मा था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बात करते हैं ई एन जो होगी बच्चों, आकार क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा पॉइंट, ई एन जो होगी हमारे पास में वो जेड इफेक्टिव क्या होती है बच्चों? समानुपाती होती है। ई एन जो होगी बच्चों हमारे पास में वो सिग्मा की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है बच्चों। और लास्ट जो हमारे पास में दिया गया है कि ई एन जो होती है वो एस प्रतिशत लक्षण इसकी क्या होती है बच्चों? समानुपाती। अब बच्चों आकार के बारे में अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा था यहाँ से कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब बच्चों बताओ इसकी ई एन कितनी थी? 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4.0। देखो जब इधर से इधर जाते हैं, जब हम कहाँ जाएंगे? लिथियम से फ्लोरीन तरफ जाएंगे बच्चों, तो आकार क्या होता है हमारे पास में बच्चों? कम होगा ज्यादा? आकार हमारे पास में होगा। ई एन क्या होगी?
ज्यादा, और इधर से अगर हम जाएंगे बच्चों तो जेड इफेक्ट क्या होता है हमारे पास में बढ़ता है, और जेड इफेक्ट में होता है नाभिकीय आवेश। क्या होता है? नाभिकीय आवेश बच्चों। अब देखो जब इसका आकार सबसे ज्यादा है बड़ा, इसकी एन सबसे कम, इसका आकार सबसे छोटा, इसकी एन क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो यही बताया पहला पॉइंट जो है, एन जो होती है बच्चों वो आकार के इनवर्सली होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आकार बढ़ेगा तो एन क्या होगी बच्चों? घटेगी। हमारे पास जेड इफेक्टिव का और सिग्मा का सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब हमारे पास बच गया एस प्रतिशत लक्षण। एस प्रतिशत लक्षण का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों हमारे पास में, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये दिया हुआ। अब आपसे बोला जाएगा कि दिए गए हाइड्रोकार्बन को विद्युतीयता के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। वैसे तो बच्चों आप इस फिक्स याद कर सकते हो कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसकी विद्युतीयता होती है 3.25। कितनी होती है? 3.25। और डबल बॉन्ड आता है इसकी होती है 2.75, और इसकी होती है 2.5। ये आप याद कर सकते हो सीधा का सीधा। लेकिन अगर हमें इसको एस प्रतिशत लक्षण से समझना हो तो हम कैसे समझेंगे बच्चों? बताओ कार्बन जो होता है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, मतलब कि कार्बन 4 बंध बना सकता है। और अगर कार्बन 4 बंध बना रहा होगा तो आपके पास में, आपने बोला था CH4 मैथेन जो होता है, मैथेन का संकरण जो होता है बच्चों वो क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है? sp3। क्योंकि कार्बन कितने बंध बना रहा है? 4। 1, 2, 3, 4। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा कितने होंगे बच्चों? 4। और 4 जब भी सिग्मा आता है तो हम बोलते हैं sp3। 2 आएंगे तो sp3 आएगा, तो sp2, 4 आएंगे तो sp3 बच्चों। अब देखते हैं ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 इधर, 3 इधर, तो ये हो जाएगा सिग्मा, ये क्या हो जाएगा? सिग्मा। बाकी ये 2 बच्चों पाई हो जाएंगे। और जब भी हम संकरण को गिनते हैं तो हम पाई को नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको लेते हैं? सिग्मा को। तो बताओ कितने सिग्मा होंगे? 2। और 2 सिग्मा क्या बोलेंगे? एस पी। बच्चों यहाँ पर बताओ सिग्मा कितने होंगे हमारे पास में? ये एच, ये एच, ये एच टू, ये एच टू, यहाँ पर होंगे सिग्मा 3, एस पी टू, यहाँ पर सिग्मा होंगे 4, क्या बोलेंगे? एस पी 3। अब बच्चों एक काम करते हैं, 100 में भाग देंगे। बताओ यहाँ पर एस और पी 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर S 1 और P कितने हैं? 2। तो 2 और 1 3, और इधर कितना हो गया? 4। तो 100 में इसको भाग दे दो। बताओ इसका अगर आप 100 में 2 बार भाग दोगे तो कितना आएगा? 50%। और अगर इसका आप 100 में, इधर देखो S प्रतिशत कितना होगा, P प्रतिशत कितना होगा? देखो बच्चों 100 में भाग दे दो, तो 100 में अगर भाग देंगे तो ये कितना हो गया? 50%। और P भी कितना हो गया? 50%। लेकिन अगर इसका 100 में 3 में भाग देंगे तो S कितना होगा? 33%। और P कितना होगा? लगभग 66% बच्चों। अब बात करते हैं sp3 की, तो यहाँ पर s कितना होगा आपके पास में? 25% बच्चों। और ये कितना होगा? 75% बच्चों। अब बताओ यहाँ पर s प्रतिशत लक्षण कहाँ पर ज्यादा है? s का मान कहाँ ज्यादा? देखो यहाँ पर आपके पास में कितना है? 50। यहाँ पर कितना है? 33। यहाँ पर कितना है? 25। तो जहाँ s ज्यादा होगा वहां पर en का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखिए एस प्रतिशत लक्षण अगर ज्यादा होगा तो en का मान भी क्या होगा? तो ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड की en डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की किससे ज्यादा होती है? सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला कारक, ये जो इसके कारक थे। फिर बाद में इसका अगर उपयोग की बात करें कि en के क्या क्या उपयोग है, आज हम बात करते हैं बच्चों EN के उपयोग की, EN के क्या क्या उपयोग हैं। EN का तो हमारे पास में बच्चों जो उपयोग है, सबसे पहला जो उपयोग हो जाएगा, हम ये बोल सकते हैं कि जो भी अकार्बनिक हमारे पास में यौगिक होंगे या जो भी हमारे पास में आयनिक ऑक्साइड होंगे उनका नामकरण। तो पहला क्या होगा? अकार्बनिक यौगिक व आयनिक ऑक्साइडों नामकरण। मतलब आयनिक ऑक्साइड का मतलब होता है जो आयन बनाते हैं, और आयन क्या होते हैं? या तो होगा धनायन या फिर क्या होगा आपके पास में? ऋणायन होगा। या तो क्या होगा? धनायन या फिर क्या होगा? ऋणायन होगा आपके पास में। तो चलो करते हैं सर आयनिक ऑक्साइड। तो पहले इसकी एक ट्रिक देख लेते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। इसकी बच्चों ट्रिक ये होगी, जब भी आप अकार्बनिक ऑक्साइड या आयनिक ऑक्साइड का नामकरण करते हैं
तो कम विद्युत ऋणता वाला तत्व जिसकी ईएन कम होगी वो तो आएगा पहले, और जिसकी ईएन होगी ज्यादा वो आएगा बाद में। ऐसे लिखना है आपको। अगर उल्टा हो जाए कि ज्यादा वाला है पहले कम वाला है बाद में, तो उसका नामकरण नहीं कर सकते बच्चों, उसका नाम नहीं होगा। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि इनका जब नामकरण करेंगे तो कम विद्युत ऋणता, कम विद्युत ऋणता वाला तत्व पहले वह ज्यादा ईएम वाला बाद में लिखते हैं। हमें एक एग्जांपल करते हैं, हमारे पास में एग्जांपल क्या दिया हुआ है, OCl। क्या दिया हुआ है? OCl। अब इसका नाम क्या होगा देखते हैं। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होती है बच्चों 3.5, और क्लोरीन कितनी होती है 3.0। अब ट्रिक देखो क्या कह रही है, कम विद्युत ऋणता वाला तत्व तो पहले, तो देखो इसकी ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया तो इसका नामकरण नहीं होगा। अब इसको उल्टा करते हैं, Cl2O। अब बताओ का ये जो क्लोरीन है इसकी ईएन कितनी है 3.0, ऑक्सीजन कितनी है बच्चों 3.5 है, कितनी है 3.5 है। यहाँ पर दो आयन बन रहे हैं, एक तो बन रहा होगा 2Cl+ और एक बन रहा होगा O-2, आयनिक ऑक्साइड हो गया। अब बताओ इसका नामकरण क्या होगा, तो देखो आपके पास में क्लोरीन दो है तो दो को बोलेंगे डाई, और क्लोरीन क्या बोल देंगे क्लोराइड बोल दो या क्लोरीन बोल दो, तो डाई क्लोरीन ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाई क्लोरीन ऑक्साइड या डाई क्लोराइड ऑक्साइड, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा डाई क्लोरीन ऑक्साइड या डाई क्लोराइड ऑक्साइड। अब बात करते हैं बच्चों OF2 और F2O, इन दोनों में से हम किसका नाम लिख सकते हैं किसका नहीं लिख सकते, बताओ जल्दी से बताओ किसका नाम लिख सकते हैं किसका नहीं लिख सकते। तो देखिएगा इसकी ईएन कितनी होती है 3.5, ठीक है, और फ्लोरीन कितनी होती है 4, इसको तो लिख सकते हैं और इसको नहीं लिख सकते, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, ठीक है। तो ये तो इसका पहला उपयोग हो गया कि आयनिक ऑक्साइड या फिर जो अकार्बनिक यौगिक होंगे उनका नामकरण कैसे है। अब दूसरा उपयोग देखते हैं, दूसरा उपयोग होगा कि हम यहां पर जो आयनिक यौगिक होंगे उनका आयनिक प्रतिशत रखना चाहते हैं, आयनिक प्रतिशत लक्षण कैसे निकालेंगे। तो बच्चों जो आयनिक प्रतिशत लक्षण होता है, आयनिक प्रतिशत लक्षण जो होता है बच्चों उसका फॉर्मूला क्या होगा 3.5 डेल्टा ईएन प्लस में, ये हमारे पास है बच्चों आयनिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा 3.5 डेल्टा ईएन, या फिर हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि सर इसको हम और कैसे निकाल सकते हैं, ये इतना ज़्यादा काम का है भी नहीं बच्चों आपके पास में आयनिक ऑक्साइड वाला फॉर्मूला, लेकिन अगर फिर भी निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे 3.5 डेल्टा ई एन प्लस में आपके पास में यहाँ पर जो आएगा बच्चों प्रतिशत आयनिक लक्षण में जो इसका जो दूसरा फॉर्मूला जो बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा।